की हेडलाइन पर, नागपुर में पत्नी के सिर पर मारा हथौड़ा, दिल्ली दिन दहाड़े ज्वेलरी दुकान की लूट, जम्मू कश्मीर सीआरपीएफ काफिले के पास फिर ब्लास्ट। अब खबरें विस्तार से। पत्नी के सिर पर मारा हथौड़ा, नागपुर बेलतरोड़ी थाना अंतर्गत एक वृद्ध ने अपनी पत्नी के सिर पर हथौड़े से वार करके जान से मारने की कोशिश की है। आरोपी का नाम कृषि नारा सोसाइटी मनीष नगर निवासी पुरुषोत्तम नाम देवरा निहन केरे 35 वर्ष बताया जा रहा है, जबकि घायल पत्नी का नाम पुष्पा बताया जा रहा है। खाने में जहर मिलाकर उसकी जान लेना चाहती है, इसी बात पर दोनों का अक्सर झगड़ा होता था, फिर विवाद के चलते इतना बढ़ गया कि इसी बीच पुष्पा को हथौड़े से सिर पर वार कर दिया। बुरी तरह से जख्मी हुई पुष्पा, घर वालों ने तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया है। फिलहाल पुलिस ने पुरुषोत्तम को गिरफ्त में ले लिया है। जम्मू कश्मीर सीआरपीएफ काफिले के पास फिर ब्लास्ट। पुलवामा अटैक के करीब 1.5 महीने बाद जम्मू कश्मीर में हाईवे पर फिर से ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट में कुछ दूरी पर सीआरपीएफ का एक काफिला भी गुजर रहा था। ब्लास्ट में कार के परखच्चे उड़ गए और ड्राइवर के लापता होने की खबर है। शुरुआती जानकारी के आधार पर इसमें सिलेंडर से ब्लास्ट होने की आशंका जताई गई है। दिल्ली दिन दहाड़े ज्वेलरी दुकान में लूट, मालिक के बेटे के दोस्त को मारी गोली। दिन के उजाला में गोलियों की आवाज से थर्रा उठी दिल्ली। दरअसल वेस्ट दिल्ली में बदमाशों ने दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में घुसकर फायरिंग करके लूट की वारदात को सरेआम अंजाम देकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि बाहर सवार तीन बदमाश ग्राहक बनकर दुकान में पहुंचे थे। सबसे पहले एक बदमाश अंदर आया और दुकानदार से चांदी की चेन दिखाने को कहा। बदमाश ने दुकानदार से कहा कि महंगा है सस्ता दिखाओ। इसके बाद उसने दुकानदार से आग्रह किया कि भाई को बुला लेता हूँ, वो पसंद करेगा। बदमाश ने फोन करके भाई के नाम पर बाहर खड़े बदमाश को दुकान के अंदर बुलाया। बाहर से दो बदमाश हथियार से लेकर अंदर घुसे, सबको जान से मारने की धमकी देने लगे। बदमाश ने कहा कि जमीन पर लेट जाओ वरना जान से मार देंगे। जिसके बाद तीनों बदमाशों ने दुकान में रखी सारी ज्वेलरी कैश लूट लिया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। तो MNS News Live की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे